أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. 8th class chapter number 5 geography का हम कर रहे हैं, और आज हम इसका question number 4 का half part करेंगे. question number 4 क्या है इसका? question number 4, explain the causes and impacts of air pollution. ठीक है, आपने क्या बताने हैं? causes एंड इम्पैक्ट्स बताने हैं किसके? आज एयर पोल्यूशन के. तो आज हम इसके काजेस पढ़ेंगे. पहले आंसर, काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, नंबर वन, वॉल्केनिज्म. वॉल्केनिज्म क्या होता है? आतिशफिशा. आतिशफिशा के फटने से हवा में आलूदगी पैदा होती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. वाइल्ड फॉरेस्ट फायर, जंगलात में लगाई जाने वाली आग, जिसकी वजह से हवाई आलूदगी पैदा होती है. स्टॉर्म्स, तूफान, जो तूफान आते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं. एंड डिस्नोमस, जिसे उर्दू में सुनामी कहा जाता है, इन द ओशंस, जो कि बहरों पे समंदरों में आते हैं. सुनामी, तूफान, समंदरी तूफान. नंबर टू, अनप्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अनप्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को प्लान करके नहीं बनाया जाता, ना ही उन्हें ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर आबादी मौजूद ना हो. ये फैक्ट्रीज़ लगाने का असूल होता है, लेकिन यहाँ पर अनप्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है. फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से कोई मनसूबाबंदी नहीं होती, जिसकी वजह से हवाई आलूदगी फैलती है. उसके बाद आएंगे ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ़्त, वो वाले ज़राए जो हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके पेट्रोल वगैरह की आलूदगी भी हवाई आलूदगी की वजह बनती है. ठीक है. एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे वायरलेस, जो हमारा निज़ाम है, वाईफाई वगैरह, इसके जितने भी कनेक्शंस हैं वो किस में से आते हैं? हवा में से, फ़िज़ा में से आते हैं. तो वो भी हवाई आलूदगी की वजह बनते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हवा में वो छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हवाई आलूदगी पैदा होती है. नंबर थ्री, मरीन ट्रैफिक एंड अनसेफ वेस्ट डिस्पोजल. मरीन ट्रैफिक, ट्रैफिक जैम होना, शदीद ट्रैफिक होना, समंदरी ट्रैफिक को भी कहा जाता है. समंदरी ट्रैफिक में क्या यूज़ होते हैं? जहाज़ वगैरह, बैरी जहाज़, जिन्हें कहा जाता है, उनके धुएं से भी फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है. अनसेफ यानी जो कूड़ा करकट है, उन्हें सही तरीके से डिस्पोज ऑफ ना करना, यानी उन्हें ठिकाने ना लगाना, उन्हें महफूज जगह पर ज़ाया ना करना, उसकी वजह से भी हम क्या होता है? फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है. यानी हम कूड़ा करकट को आग लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है. आपने उसको बाय डेट लर्न भी करना है और राइट भी करना है. ओके, ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़.